डर। हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर लगता है। आज मैं निकल पड़ा हूं अपने एक डर से जीतने के लिए। आज के बाद मैं ऊंचाई से नहीं डरूंगा। हेलो गाइस, तो अब मैं पहुंच गया हूं बस स्टैंड पे। ये जो पीछे वाला स्टैंड है, यहाँ पे बस ने मुझे उतारा है और बिल्कुल ही सामने ये है कैपिलिनो सस्पेंशन ब्रिज का जो टिकट काउंटर है। तो कहीं भी ज़्यादा चल के जाने की ज़रूरत नहीं है, कैब लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी इजी, डायरेक्टली आप जो सी पॉइंट है वहाँ से एक बस लो और डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच सकते हो। सो लेट्स वॉक ऑन एंड लेट्स। सो फाइनली मैंने टिकट ले ली है और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे स्टूडेंट के लिए अलग, सीनियर सिटीज़न के लिए अलग, छोटे बच्चों के लिए अलग। तो फिर हम आते हैं सबसे महंगे कैटेगरी में, जो कि क्लोज टू $50 है, 50 या $54, आई डोंट रिमेंबर। मैंने तो कार्ड स्वाइप कर दिया और यहाँ से शुरू होता है ये पार्क का एंट्री। ये पीछे है मेरी जो टिकट काउंटर है, इंफॉर्मेशन काउंटर है, और यहाँ पर कुछ हिस्ट्री लिखी है जो कि मैं थोड़ा तो गो थ्रू करूँगा और उसके बाद आगे चलेंगे। पार्क के अंदर घुसने से पहले ये जो लोकेशन है इसकी कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। तो इसको बोलते हैं कैपिलिनो सस्पेंशन ब्रिज, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है कैपिलिनो रिवर और उसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। तो एज सिंपल एज दैट, इसीलिए इसका नाम कैपिलिनो सस्पेंशन ब्रिज है। कुछ इसकी लंबाई जो है वो है 140 meters और 70 मीटर ये ऊपर है, लाइक रिवर के ऊपर हैंग हो रहा है 70 meters। तो यहाँ पे मैंने जितना इसका डिटेल्स पढ़ा है, तो फिर यहाँ पे पहले कोई ट्राइब्स बसे हुए थे जिनको फिलानो या आई डोंट नो, मैं भूल रहा हूँ वो नाम, तो वो यहाँ पे बस गए थे क्योंकि उनको यहाँ पे मछलियाँ मिलती थी और इस जंगल में जो पीछे आप देख रहे हैं, इस जंगल में इनको सारे खाने पीने की चीज़ें मिल जाती थी, तो फिर दे सर्वाइव्ड। तो ये हालांकि बहुत छोटा डिटेल से बहुत सारे इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर है, तो मुझे जितना पता लगाना था, जितना पढ़ना था एक बेसिक डिटेल्स, तो वो मैंने पता लगा लिया है। और ये है पार्क के एंट्रेंस, लाइक एंट्री करते ही ये क्रिएचर्स हैं, ये शायद रिप्रेजेंट करते हैं जो ट्राइब्स थे यहाँ पे उनको, जैसे कि ये मेरे पीछे एक है और दिस सेज दैट दिस इज़ द ब्रिज एंट्रेंस। तो यहाँ से आगे चलते हैं, जगह जगह पे यू कैन क्लिक योर पिक्चर्स, यहाँ पे ऐसे बना हुए चीज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। जैसे कि आप देख सकते हैं खचाखच भीड़ है यहाँ पे। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया या फिर कनाडा, जो कि मैं पहले से बोल चुका हूँ। और कंटिन्यूस भीड़ आती जा रही है और आप स्पेशली अगर वीकेंड्स में आते हैं तो फिर ऐसे ही भीड़ लगी रहेगी। फ़ोटो लेने के लिए वो प्राइवेट स्पेस नहीं मिलेगा, तो आई थिंक वीकडेज में आना मच बेटर है अगर आपको रियली फ़ोटो लेना है। और ये ब्रिज डरावना होने वाला है बिकॉज ये हिल रहा है जब लोग चल रहे हैं, इट्स रियली शेकिंग। लेकिन मुझे लगता नहीं है ये कभी गिरेगा, तो फिर उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं जाने के बाद ही अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। यहाँ से व्यू देखने का मज़ा कुछ अलग ही है।
तो टाइम आ चुका है कैपिलिनो सस्पेंशन ब्रिज पे जाने का। ये है सामने मेरे ब्रिज। मास्क मैंडेटरी है ब्रिटिश कोलंबिया के गवर्नमेंट की तरफ से, और मेरी फटनी शुरू हो गई है क्योंकि ये बहुत ज़ोर से शेक कर रहा है। मेरे एक हाथ में कैमरा है, दूसरे हाथ में मेरा फ़ोन है, बट अब तो पकड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये हिल रहा है ज़बरदस्त। दूर से देखने से इजी लगता है बट एक्चुअली में हिल रहा है। साला और ये है कैपिलिनो रिवर नीचे। हालांकि पानी उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये ब्रिज बहुत हाइट में है। अगर नीचे गिरो तो फिर शायद कुछ मिलेगा नहीं अपना। और ये सारा जंगल, इधर का व्यू ज़्यादा अच्छा है। अगर हाथ से कैमरा फिसला ना तो ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा वापस। और ये रियली बहुत ज़ोर से हिल रहा है, आई कैन शो यू। लोग तो दो हाथ पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, मैं एक ही हाथ पकड़ाऊँ। आइयो दिस इज एक्सपीरियंस। और ये एक तरफ लीन हो रहा है क्योंकि ओनली लोग जा रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं, तो फिर ये बैलेंस नहीं हो रहा और एक तरफ हिल रहा है। इट्स ए काइंड ऑफ फन। तो मज़ा आ रहा है लेकिन डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। ओह ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अनाउंसमेंट है, दौड़ो मत, भागो मत, कूदो मत, आराम से चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग चिल्लाते जा रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका हूँ और ये पूरा रास्ता है। आगे का रास्ता ऐसा है ऑलमोस्ट ख़त्म, और अब ऊपर शायद अब ज़्यादा हिलेगा नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट अब ये जो इसकी होल्ड है वो बेटर हो जाएगी। लेकिन बीच में काफ़ी, जब सेंटर में पहुंच जाते हो ना तब हाँ फट के हाथ में आ जाती है बेटा। यहाँ से व्यू अच्छा है। अब क्या दिखाना, अब तो ब्रिज ख़त्म हो गया। वापस आते हुए अगर कुछ होगा तो फिर रिकॉर्ड करूँगा, नहीं तो दोनों हाथों से रेलिंग को पकड़ पकड़ के चलूँगा।